What's up guys, welcome back to 74 dishes of India. आज हम बना रहे हैं मेघालय की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी जो आती है वहाँ की एक ट्राइब से जिसका नाम है खासी. तो खासी ट्राइब जो है बहुत पॉपुलर है मेघालय में, इट्स वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स देयर. और उनका जो ब्लैक सेसमे पोर्क है जिसको वो बोलते हैं दो नियंग. जो दो नियंग होता है, दो का मतलब पोर्क और नोयंग जो होता है उसका मतलब होता है ब्लैक सेसमे. सो दो नोयंग आज हम बना रहे हैं ब्लैक सेसमे पोर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय फ्रेंड तनीषा हु इज फ्रॉम द रीजन एंड शी वाज वेरी वेरी काइंड इनफ टू शेयर दिस रेसिपी विद मी. पूरी कटोरी भर के काला तेल लेंगे ब्लैक सेसमे, इसको आप पानी में सोक कर देंगे आधे घंटे. दो लाल चिली भी सोक कर देंगे. इफ यू लाइक इट स्पाइसी यू कैन ऐड 3 to 4. इस मिक्सी में, छोटी मिक्सी में डाल देंगे आपकी काले तिल जो हमने सोक करके रखा था और चिली, उसका पेस्ट बनाएंगे. तो देखिए पीसने के बाद ये ऐसा सीमेंट की तरह दिखेगा. इसमें अब आप 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे. तो देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, सरसों का तेल स्मोकिंग पॉइंट पे पहुंच गया है. आप गैस को कम कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1 बड़ा कटा हुआ प्याज. इसमें आप डाल देंगे 5 से 6 क्लोव गार्लिक के और आप डाल देंगे 1 इंच अदरक. तो देखिए प्याज हमारा भुन गया है, लाइटली ब्राउन हो गया है. इसमें अब हम अपनी ब्लैक सेसमे की पेस्ट डालेंगे. इसको आप अच्छे तरीके से भूनेंगे धीमी आंच पे. ये जो कॉम्बिनेशन है सरसों के तेल का और तिल का, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स एंड दैट मेक्स दिस डिश वेरी वेरी अर्दी. इसके जो अरोमाज है आपको ऐसा लगेगा कि सर्दियों में अगर आप ये खा लें चावल के साथ तो एकदम तृप्ति हो जाएगी. एंड दैट्स अ काइंड ऑफ डिश इट इज, बिकॉज वहां पे क्या है ठंड बहुत रहती है. एंड दैट्स द रीजन दे यूज अ लॉट ऑफ सेसमे एंड मस्टर्ड ऑयल इन देयर फूड. इसमें आप 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, वेरी वेरी लेस हल्दी, बहुत नहीं डालनी है, दैट्स इट. साथ में आप डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, आई वुड से अबाउट 1.5 टीस्पून. अब इसको आप भूनेंगे काले तिल के साथ. आपकी जो काले तिल की पेस्ट है इट विल स्टार्ट टू टर्न ग्रीन एंड दैट विल बी अ गुड साइन दैट इट स्टार्टेड टू कुक. आप नोटिस करेंगे इस रेसिपी में पाउडर स्पाइसेस बहुत कम जाएंगे, ना के बराबर. एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट मेघालयन फूड. वो लोग सिंपल इंग्रेडिएंट्स जैसे ब्लैक सेसमे को दे मेक इट इनटू अ सेंटर ऑफ अ डिश एंड देन दे यूज दैट इंग्रेडिएंट वेरी वेरी वेल. एंड दैट्स व्हाई दिस रेसिपी इज सुपर स्पेशल. ऑल्सो इट्स जेट ब्लैक. I love the color. So guys, as you can see, कि इसने तेल छोड़ना चालू कर दिया है. It has this greenish tinge to it. देखिए मैं चला रहा हूँ, ऐसा लगा थोड़ा थोड़ा हरापन है इसमें. इसका मतलब ये भुन गया है. अब आप इसमें 1/2 किलो पोर्क डालेंगे. These are all mixed cuts of pork. आप इसकी जगह चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनली तो पोर्क ही खाया जाता है. इसमें अब आप 1.5 चम्मच नमक डालेंगे और इसको आप भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए. इसमें आप 2 कटोरी पानी डाल देंगे. देखिए बढ़िया सा हरा सा रंग आया है इसके ऊपर. इसको आप मिला लीजिए ढंग से और इसको सीटी लगाएंगे लगभग 5 whistles for 12 minutes. अब आप लिड खोलने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाता और कोटिंग नहीं हो जाता. ट्रेडिशनली इसमें या अगर आप ऑथेंटिक रेसिपीज बात करें चीनी नहीं जाती, बट समटाइम्स आई लाइक टू ऐड अ टच ऑफ शुगर टू दिस रेसिपी टू बैलेंस आउट द ड्रॉनेस ऑफ ब्लैक सेसमे. थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नींबू अगर आप डालना चाहें, इट्स नॉट एज आई सेड पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन, बट यू कैन चूज टू डू इट. तो देखिए इसको खुली आंच पे पकते हुए लगभग 5 मिनट हुए हैं. इट्स गॉटन वेरी थिक. और अब जैसे ही ये थोड़ा सा हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि तिल है, तिल ऑल गाढ़ा होएगा अपने आप, तो आप इसको अब बंद कर दीजिए, काफी ये गाढ़ा हो रहा है. इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे. अब आप अपने ब्यूटीफुल ब्लैक सेसमे पोर्क को सर्व करेंगे एक अच्छे से बोल में. लीजिए हमारा दो नियोंग यानी कि ब्लैक सेसमे पोर्क एकदम तैयार है.